नरसिंह जी की पत्नी का नाम था माणिक गौरी, बताया सुबह मैंने, माणिक गौरी। अब माणिक गौरी क्या है, घर में क्या है, चुपचाप रहती थी। और वो कौन थी, जेठानी, जेठानी का नाम द्रुत गौरी। और स्वभाव इतना खराब, अब कई कई जेठानियां होती है उनमें पावर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो पहले आई है ना घर में। तो वो जेठानी जी वो उसको बोलती, अरे माणिक गौरी तुमने ये काम नहीं किया, सारे दिन काम करवाती, एक काम सलटता नहीं, तू झाड़ू निकाल ले। झाड़ू निकाली, अब तू पोछा कर ले, पोछा कर लिया, अब तू रोटी बना ले, अब तू गेहूं पीस ले, अब तू गाय का ठाण बुहार दे। सारे दिन एक काम करके जैसे माणिक गौरी फ्री होती, दूसरा काम तैयार रखती बस। और कहती, माणिक गौरी तुमने ये नहीं किया, तुमने वह नहीं किया। अब माणिक गौरी एकदम चुपचाप रहती, बोलती नहीं थी। और कहती, अरे बोलती नहीं है तू, बोल। वो कहती, मैं क्या बोलूं, अरे मेरे सामने बोलती है। हाँ ऐसे। और देखो महाराज, माणिक गौरी नरसिंह जी की पत्नी चुप रहती थी। और चुप रहने में सुख बहुत है, आपको बताऊं। और जो ज्यादा बोलता है ना उसे दुख ज्यादा होता है। कैसे, महाराज आप लोग नीचे बैठे हैं ना, नीचे बैठे हैं ना, आपकी इच्छा हो ना तो आप कभी पैर यूं कर लो, कभी यूं कर लो, कभी महाराज के सामने ऐसे सीधे करके बैठ जाओ, बैठते ना। हाँ मैं कई लोगों को देख रहा हूँ महाराज के व्यासपीठ के सामने पांव कर लिए। आपकी इच्छा हो पानी पीने की ना तो आप खड़े होके पानी पीने भी जा सकते हो। और जो आपके मन में आ गई चाय पीने की तो आप अंदर जाके बाबा जी को बोल सकते हैं कि बाबा जी चाय पीनी है। सुपारी भी खा सकते हो बैठे बैठे, कर सकते हैं ना। आपकी इच्छा होती है तब आते हो। कथा का टाइम कितना है, 2 बजे का। आप कितने बजे आते हो, 3 बजे तक आते हो है? कुछ ये आप लोग आए हैं, सबकी बात कर रहा हूँ। कथा में तो नियम ये होता है कि महाराज जब कथा करने बैठे हैं व्यास जी ना, तो उससे पहले कथा में पहुंच जाना चाहिए। और जब महाराज जी आसन छोड़ दें तो अपने को भी उठ जाना चाहिए। पर जितनी देर महाराज बैठे रहें उतनी देर उठना बैठना नहीं करना चाहिए। लेकिन आपकी मर्जी होती है तब आप आ जाओ। अगर आपका ज़रूरी काम आ गया तो आप उठ के जा भी सकते हो। कोई ज़रूरी फ़ोन हो आ गया तो आप फ़ोन के बहाने भी उठ सकते हो ना। लेकिन क्यों, आपको इतनी स्वतंत्रता क्यों है, क्योंकि आप सब चुप बैठे हो और मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे देखो कितने बंधन है, न मैं उठ सकता हूँ, न पाँव को यूं कर सकता हूँ, न पानी पी सकता हूँ, न कुछ खा सकता हूँ, है ना बंधन। तो जो चुप बैठता उसको सुख ही सुख है, और जो बोलता ज्यादा है उसे दुख ही दुख है। इसलिए भाई चुप रहना सीखो। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।